वैसे और इसकी टोपी कितनी क्यूट है। पायल को 12 साल के बच्चे का टॉप आ गया। अगले जन्म में भी दोनों चूड़ैल साथ में। इसके मुंह पे निशान आ गए, मतलब कोई बता नहीं रहा क्योंकि इस कमरे में कैमरा नहीं है। अब इसका चेहरा देखो पूरा खराब हो रहा है। बाबू का नाम करूंगा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी पहुंचे बीएमएस पे और एक मजेदार से इंटरव्यू दिया। जिसने इंटरव्यू अब तक नहीं देखा बायो में लिंक का जाके देख लो। और हमारे साथ है भैया न्यूज रिपोर्टर अपना अमनदीप कौर। भाई बहुत ही कमाल के प्रश्न उत्तर पूछे इन्होंने, एक मिनट चुप नहीं हुए। मतलब हमारे तो भाई होठ सूख गए। भाई क्या बोलती है, मेरे तो भूख लग गई, इसलिए सैंडविच खा रही हूं। तो गाइस परसों मेरे गाने का शूट है और मैं अभी बीएमएस पहुंचा हूं और बहुत ही कमाल के कपड़े वपड़े सब कुछ लेने वाला हूँ। मतलब गाड़ी भर के लेके जाने वाला हूँ। और साथ साथ भैया लड़कियों का कलेक्शन भी आ गया। हाँ जी, मैं भी लेने वाली हूँ। हाँ तो भाई किसी को भी कुछ भी लेना हो, बीएमएस के आईडी, कांटेक्ट नंबर और यूट्यूब का पेज मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। मतलब दिल खुश हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो भाई बीएमएस ने कर दिया पूरा खर्चा और गोलू के लिए मंगवा दिया 15 करोड़ का केक। क्या हंस के रही है? डायमंड है उसके अंदर, इसके अंदर डायमंड एंड गोल्ड है बहुत सारा। शुरू करते हैं, केक कटिंग करते हैं। मैं तो रास्ता ढूंढ रही कहाँ से निकालना है। क्या डायमंड हम देंगे नहीं ना, पल किसी को काट के ना आप घर ले चलेंगे। डायमंड एंड गोल्ड है ना। चलो भाई गोलू की काटो, 1 2 3 एक्शन। तू काट, मैंने बहुत सारे काटे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोलू, हैप्पी बर्थडे। इसी भाई सोच रहे हो हम स्पेशली जालंधर केक काटने आए हैं। और एक बात बताऊं, एक और चीज बताती हूँ। इससे पहले वाला और उससे पहले वाला बर्थडे भी हमने जालंधर में मनाया था। मैंने बर्थडे जालंधर में अपना बर्थडे मनाया। तो मैं सोच रहा हूँ जालंधर में घर ले लेते हैं। हाँ ले लो है? सही है, हमारा आना जाना लगा रहता है, ले लो। क्या बात है बोलो, हमारी मैडम को खिलाओ जिन्होंने हमारा। थैंक यू सो मच। दोनों थे गुड्डू, मतलब नोनी तो गुड्डू नाम थे, क्यों चले गए? नहीं मैं अच्छा ये नोनी बोलती थी ना, अब बोलती थी पर मैंने अभी छोड़ दिया है। मैं गुड्डू ही बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने तो करंट क्यों पड़ा, मुझे भी पड़ा आपसे 2 बार। हाँ इसको आ रहा है, हमारे अंदर बहुत करंट है मैडम, हम जिम जाते हैं ना। मैंने देखा 2 बार करंट। अभी मैंने आपको केक खिलाया तब करंट लगा, मैंने कहा चलो नहीं, और फिर करंट आया। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बीएमएस फैशन। आपको पता है अरमान जी जितने भी कपड़े पहनते हैं वो सारे पहनते हैं बीएमएस फैशन के। अभी भी इतनी ट्रेंडी जीन्स पहन रखी है। और मैंने जो अभी जो मैं ट्रेवल करके आई हूँ कर्नाटका में, मैंने जीसी वाली जो चप्पलें पहनी थी वो भी मैंने यहीं से ली थी। और आज मैं वैसी चप्पलें और भी लूंगी क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आज का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, इतनी शॉपिंग करने वाले हैं। और साथ में ये भाई मिलेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी सब देने वाले। तो गाइस आते ही सबसे पहले शीशा देखते हैं हर लड़की, और आजकल तो लड़के भी देखते हैं क्योंकि ट्रैवल करके आए ना, थक गए हैं। तो अब करते हैं खूब सारी शॉपिंग। पहले करेंगे इनके लिए शॉपिंग, फिर करेंगे अपने लिए शॉपिंग। तो गाइस अभी स्टार्ट हो गई हमारी गर्मियों की समर्स की शॉपिंग क्योंकि समर्स आ गई है। तो अरमान जी ना बहुत ज्यादा ट्रेंडी वाले कपड़े पहनते हैं, एकदम फंकी हटके। तो यहाँ पे बहुत सारे अपने लिए लोअर देख रहे हैं क्योंकि जिम जाते हैं तो लोअर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम्फर्टेबल लोअर ऐसा कुछ ये अच्छा लग रहा है। तो बस एक एक चीज देखोगे ना तो आपको 10 दिन लग जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको सिनेमैटिक दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, आप एक बार चेक करना। यहाँ पे बॉयज के साथ साथ ना गर्ल्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज के कपड़े हैं, गर्ल्स के भी कपड़े हैं बीएमएस के पास, फैशन के पास। तो अभी मैं और पायल जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। और जैसे कि बताया ना कि स्लीपर्स यहाँ से ली थी, तो अभी मैं और पायल और भी अपने लिए स्लीपर्स लेंगी। चलो आ जाओ। तो गाइस हम पहुंच गए नीचे और भाई नीचे पूरा साम्राज्य है जूतों का। जिस जूते पे आंख डालोगे ना आपको सारे पसंद आ जाएंगे। पर मैंने अभी 2-4 जोड़ी ली है क्योंकि मेरे वार्डरोब में जगह नहीं है। पहले वो जूते निकालूंगा, उसके बाद नए जूते लूंगा। गुची वाली जो चप्पल थी ना उसमें ब्राउन कलर पहना था मैंने, तो अभी मेरे को यहाँ पे ब्लैक भी मिल गया। तो मैं अपने लिए पायल के लिए सेम ले रही हूँ ब्लैक। पहले ये ली थी, इसमें 38 और 39 दोनों। और बहुत सारे कमेंट आए थे कहाँ से ली, तो हमने यहीं से ली थी बीएमएस से। और इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसका दूसरा कलर भी शॉपिंग बोल रही थी। नहीं मैं तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली, बहुत सारी करी। क्या क्या शॉपिंग करी वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी क्योंकि अभी मेरे को जाना है बच्चों के कपड़े लेने के लिए। क्योंकि ये हम बीएमएस फैशन में है तो अभी जाएंगे बीएमएस किड्स बच्चों के कपड़े लेने के लिए। किसका फोन? पायल यार सुनो बस, पायल सामने मालिक के सामने चोर कर रही है। कोई बात नहीं, इससे मैं और कस्टमर डील करती हूँ। कोई बात नहीं, आपको पसंद आप ले लो। नहीं मेरे पास है पूरी। नहीं अगर आपको पसंद है तो टी शर्ट। आप कुछ नहीं करना, आपको बीएमएस आना है। कार्ड, कैश, इतना सारा पैसा लेके आना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे घड़ी, चश्मा, बहुत सारी चीज़ें जिनका तो नाम भी नहीं पता मुझे। यहाँ से बैग भर के लेके जाना और मुझे बताना कि आपने शॉपिंग की है यहाँ से। मतलब इन शॉर्ट अगर आदमी आएगा साथ में अपनी औरत को भी लेकर आए, उसके भी पूरा का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। नीचे लेडीज का है, आपको लेडीज की हील्स, शूज, फ्लैट और ऊपर मेंस का है, सब कुछ मिलता है, ऑल ओवर चीज। तो गाइस स्पेशली मैं यहाँ पर आई हूँ BMS किड्स पे और बच्चों के शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे बच्चे 1 साल के होने वाले हैं और 1 साल से सिर्फ और सिर्फ BMS किड्स के ही कपड़े पहनते हैं। तुबू ले लो, यानू ले लो, जैदू ले लो, तो बच्चों के चीकू भी, बच्चों के पास ना फुल स्लीव के कपड़े जो थे ना, मैं यहाँ से लेके गई थी, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे, क्योंकि बच्चे आपको पता है 2-2 बार कपड़े चेंज करते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है ना फुल स्लीव कपड़ों की, सारे कपड़ों के नाइट सूट भी बहुत अच्छे थे, जिसमें वीडियो इंस्टाग्राम पे डली थी ना, वो भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे नाइट, और मैं वीडियो में हमेशा टैग भी करती हूँ BMS किड्स को, ताकि आप लोग जितने भी हो आप भी अपने बच्चों के लिए ले सको। इन्होंने ऑलरेडी निकाल के रखी है कि आएंगे, ये अच्छा लग रहा है और ले लेंगे, ये अच्छा लग रहा है। तो वही यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमें एनर्जी ड्रिंक मिल गई है, क्योंकि ना हम लास्ट टाइम भी यहाँ पे आके एनर्जी ड्रिंक पी थी, तो भैया हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, आते एनर्जी ड्रिंक दे दी। ये फुल स्लीव की टी, अच्छा लग रहा है। तो वही लड़कों का और लड़कियों के जो नाइट सूट है ना, वो भी अलग होने चाहिए। जैसे कपड़े अलग होते हैं, लड़कियां टी शर्ट पहनती है, लड़के कुछ और पहनते हैं, अलग टी शर्ट पहनते हैं। तो ऐसी गर्ल्स का नाइट सूट कितना क्यूट लग रहा है भाई, ये देखिए बहुत प्यारा है आपके पास। मुझे ये वाला प्रिंट, हाँ ये वाला प्रिंट भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस आज इतनी जल्दबाजी में आई हूँ ना मैं, मेरे को इसका एक प्रिंट अच्छा लग रहा है। अरे ये वाओ, ये कितना प्यारा है। ये वाला पीस एक दो मैम खोल दो, ये बॉयज वाला दिखाओ ना, ऐसे बॉयज वाले तो बड़ा प्यारा है। इसकी टोपी देखो कितनी सुंदर है, वाओ बहुत सुंदर है। और ये मेरे को इसका बड़ा साइज पसंद आया था, वो निकाल दिया ना साइड। तो गाइस मैं आपको रॉम्पर दिखाती हूँ, हमेशा ना हम सुबह के लिए रॉम्पर लेके जाते हैं, तो इस बार हम मयान। अच्छा ये टूब रॉम्पर है, मैं दिखाती हूँ, और ये थोड़ा मवाली बनने के लिए ऐसे। और इसकी टोपी कितनी क्यूट है, इसमें दो दिखाओ ना, दोनों भाइयों को सेम पहनाऊंगी। तो गाइस थैंक गॉड अयान और जैद के लिए ना देखो मुझे 2-2 कपड़े लेने पड़ते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कल पहना दूँ, मैं तो सोच रही हूँ बर्थडे में, तो आज जा रही हूँ ना, सोच बर्थडे में पहना रही हूँ। तो भैया इसमें बड़ा साइज चाहिए था मुझे, इसमें नहीं है बड़ा, मैंने वो साइड पे कर दिया ना, ये टी शर्ट भी कर दिया सिंगल। अगर हमें बच्चों को कंफर्टेबल रखना है ना, तो अगर उनको नहीं आएगा तो मम्मी एक काम करूंगी, अगर नहीं आएगा ना मैं इसको थोड़ा फोल्ड करवा दूंगी, टी शर्ट तो आ जाएगी। ऐसा लग रहा है तो 4-5 जोड़े ले ले, बाकी ले ले हाफ स्लीव में। अच्छा गर्मी आ रही है, पर बच्चे ना, बच्चे एसी में सोते हैं ना, तो इनको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। सुनो सुंदर लग रहा है ना, सुंदर तो लग रहा है, पहले गर्मी का थोड़ी ये तो ये वाली। तो भाई देखो ये माँ बाप है आज के, चीकू और पायल का साइज सेम है, तो हमारे ये फायदा हो जाता है। मैं अपने लिए लेती हूँ, ये चीकू के लिए लेती हूँ, तो मैं पहन लेती हूँ, ये छोटा है ये नहीं। तो भाई यहाँ पे जैसे पापा फंकी कपड़े पहनते हैं ना, तो ऐसे मैंने बच्चों के लिए भी फंकी कपड़े लिए हैं। तो अभी जैद और अयान के लिए मैंने शर्ट पसंद करी है, तो ये 3 शर्ट बहुत अच्छी लगी है, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है, लीनन है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये भी पायल ने कर दी 4 पसंद। तो ये है, खाली साइज छोटा है, छोटा है हाँ, ये बड़ा है थोड़े को, ये अलग बड़ा निकाल। मैं आई थी तुबा के लिए लेने, पर देखा की ये साइज तो मुझे आ जाएगा, परफेक्ट ओके, तो सुंदर है, ये ले रही हूँ, ये ले रही हूँ। और देखो भैया 4 साल बाद तुबा का सेम साइज होगा मेरे, ये धरोहर है, मैं इकट्ठा कर रही हूँ और सब तुबा के काम आएगा। नहीं ये नहीं, मेरे हिसाब से पता कौन से कितने साल के बच्चों के कपड़े, ये है 12 साल ना, देखा मैं देखते कपड़ा बता गई, ठीक है भाई लाइफ पहन के दिखा दिया आज सब ऊपर। इसे 12 साल के बच्चों के कपड़े आते हैं, तो कह देखो मैंने बच्चों का पहना है, सही है लग रहा है ना इसके ऊपर। मैं कह रही बहुत अच्छा लग रहा है पायल पे ये वाला, और बिल्कुल मैच भी कर रहा है। पायल को 12 साल के बच्चे का टॉप आ गया, चीकू और पायल के सेम कपड़े होने वाले है, वैसे तो आ ही जाते हैं पायल को। ये सब कुछ मेरा दृष्टि से हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा पति जो इतना ध्यान रखता है, वर्कआउट कराता है, खाने का ध्यान रखता है, सोने का ध्यान रखता है, पीने का ध्यान रखता है। तो अगले जन्म में भी आप ही चाहिए दोनों को, अगले जन्म में भी दोनों जोड़ा साथ में। तो अभी तो पहला जन्म है, 6 बार की है, आखिरी हो। मेरा दिल कह रहा है पहले, मुझे भगवान ने बोला कि भेजा था कि गोलू तेरा पहला जन्म है। तो गाइस इतने क्यूट क्यूट से सैंडल है ना, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, मेरे सारे सैंडल गोलू, उसके पास सैंडल ऑलरेडी है, पर उसके पैर इतने छोटे हैं कि हमने यहाँ से इतनी सैंडल ले रखी है उसके लिए। भैया ये इसमें चीकू का साइज है कि क्रॉक्स में देखना। हाँ गाइस आजकल क्या होता है ना, जैसे कोई हमें बाहर फैन मिलता है ना, तो अचानक से पीछे से आते ना, हेलो मैम, डर जाता है इंसान, ठीक है। अभी ये लोग आए तो पायल तो डर गई ना, क्या हो गया एकदम। तो गाइस जैसे घर पे पहुंचे ना, मैंने देखा जैद के मुंह पे इतने सारे निशान हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुए, क्या हुए। और घर में ना इतने सारे लोग हैं, सब ये बहाने लगा रहे हैं कि अभी सो के उठा है, इसने कड़ा पहना हुआ था, इसके मुंह पे निशान आ गए, मतलब कोई बता नहीं रहा, क्योंकि इस कमरे में कैमरा नहीं है। सुबह ही मैं कैमरा लगाऊंगी यहाँ पे। और जब हम गए थे ना घर से, देखो मुझे क्या लगता है, या तो तुबा ने या फिर अयान ने इसको नाखून मारे हैं, और सबको पता था, देखा है सबने। मतलब हम जब छोड़ खोलते नहीं है, चार चार लोग हमने रखे हो इनकी केयर के लिए। अब इसका चेहरा देखो पूरा खराब हो रहा है। अभी मैं चेक करके आई हूँ, तुम्हारे यान के नाखून दोनों के नाखून नहीं है। फिर बेटा ये कुछ और तो हो ही नहीं सकता है, तो नाखून है जिसने मारा। अच्छा कह रहे कान भी होता कह रहा है। तो गाइस मैं ना बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ, बहुत सारे। अभी सर्दी के कपड़े छोड़ के ना गर्मी के कपड़े पहन रहे फुल स्लीव्स के, तो इनके कपड़े सारे खत्म हो गए थे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपने चीकू चारों बच्चों के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। पायल कहाँ गई? तो तूती पायल को मैंने शर्ट पहनाई, पापा से पूछती हूँ कि पापा कैसी लग रही है मुझ पे, ये कलर कैसा लग रहा है। तो भाई ये वाले जूते लिए हमने चीकू के लिए, आपने कहाँ रख दिए? ये लिए है अरमान जी के लिए, और ये वाले भी लिए अरमान जी के लिए। हमने पूरी टीम के लिए लिया है, ऐसा नहीं है अरमान चीकू या हमारे लिए, हमने पूरी टीम के लिए। और ये कैसे लग रही है शर्ट इसके ऊपर? ये भी चीकू पापा के, मैंने शर्ट बनाई है इसको पर्पल कलर की शर्ट बनाई है। ये भी चीकू के पापा के हैं, ये भी चीकू के पापा के हैं। जगह खत्म हो गई कुर्दू भाई। तो गाइस एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, 5-7 जोड़ी लेके आएंगे। ये कहाँ रखोगे? काम करो ये वाली दीवार और बनवा लो। ये वहाँ बाहर रखो। ये चिमकी ये मैंने मेरी चिकड़ी के लिए है, क्योंकि कल उसकी ना क्रॉक्स इतनी गंदी थी ना, जब हम मूवी देखने गए थे तो मैंने सबसे पहले उसके लिए क्रॉक्स ली। भाई मैंने कहा था मैंने टूबा के लिए पिंक कलर की जीन्स ली है, ये तो क्या हो गया बाद में? भाई के लिए भाई ने मुझे तो मैंने कर दिया। अरे मैंने कर दिया है, अरे आपके लिए क्या था मैंने, आपके लिए 4 मिनट आपके कहना चाहिए। टिंकू के लिए सबसे स्पेशल चीज हमने ली थी ये माइकल कॉर्स का भाई, ये मैंने बहुत स्पेशल टॉप मेरे साइज में मिला था तो मैंने ले लिया। इसमें लिखा है एस संदीप 5 लिखा है। 5 मैंने तुम्हारी देखने वाली आंखें अलग है, मेरी आंखें अलग है। ये मैंने 5 नहीं, मैंने एस के एक ये भी है। हाँ एक ये भी लिया था। ये लक्ष्य की टी शर्ट है लेटेस्ट जो हम लेके आए अभी, तो ये आपको ना सुबह ही खोल के दिखाऊंगी, अभी इतना टाइम नहीं है। बहुत सारी टी शर्ट है, इनमें से ना कुछ टी शर्ट मैंने पसंद की थी। ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, पता नहीं कहाँ गई थी। एक ब्लैक कलर की, हाँ ये वाली टी शर्ट मैंने इनके लिए पसंद करी, मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी, सोनी है माई चॉइस। अच्छा चीकू के पापा ने ना एक अपने लिए बहुत सुंदर से गॉगल पसंद किए थे। अभी तो हम जल्दबाजी में दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों आजकल तो बहुत सारी चीज लेके आई हूँ मैं, बहुत सारी चीज लेके आई हूँ। आप उठ के आए हो तो मैं आपके लिए बहुत सारी तपड़े लेके आई हूँ। आप क्यों नहीं सोए अभी तक? आपने मारा भाई को? अच्छा ठीक है चलो किसको देख रहे हैं? अच्छा बाबा जी को देख रहे हो आप? जय कर लो बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। जो ना यही चश्मा पसंद आए, लोकल ना बहुत कम लगाता हूँ पर ये लोकल लग नहीं रहा था इसलिए मैंने लिया ना। 4750 है, फिर तो लोकल नहीं है भाई, सही है। रखो अंदर डब्बे में। आज बहुत बेहतरीन बेहतरीन घड़ियाँ ली हैं, तो पहली घड़ी तो आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर सी घड़ी है। और ये है गैस की, ये कैसी हो, ये कैसियो की घड़ी ली मैंने। आज एक वापस रखता हूँ और दिखाता हूँ। ये लिए मैंने बहुत ही पुराने जमाने की घड़ी, इसमें टाइम दिखता था। अच्छा हम लोग कर्नाटका गए थे ना, कर्नाटका में बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है, वहाँ पे सब लोग लुंगी तो पहनते हैं पर लुंगी के साथ ना शर्ट के ऊपर घड़ी जरूर पहनते हैं, और वो घड़ी इसी टाइप की होती है ना गुडू, इसी सेम इसी टाइप की घड़ी होती है। तो चीकू बाबू पैंटे दिखा तो इनको फिर पता लगेगा। पैंटे दिखाऊँ? ये लोअर भी है। तो भाई आज की जो पैंटे हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल के, मुझे ना थोड़ा सा लूज में रहता है कि हाँ लूज सी पहनी। ये पैंट पहले भी थी मेरे पास, आज मैंने जिसको काटा था कैंची से, कैंची से काटा इसका ये पट्टा ही पड़ा था। पट्टा बहुत ही कमाल की। लक्ष्य बताती रहा कैसी है ये, बहुत सुंदर। और अच्छा हमारा मुझे ऐसा लगता है ये मैंने लास्ट में भूल गए थे, नहीं नहीं एक ही आई है, ये भूल गए थे मैंने निकलवाई। ये है टी शर्ट बोलने पसंद की थी, ये वाली पैंट देखो। अब ये बात बोलना अच्छा एक ना एक मिनट, ऐसी एक और पैंट थी चीकू पापा के पास, उसमें ना यहाँ तक बटन थे। चीकू के पापा के गोलू भाभी पहनती है, गोलू को दे दी थी। एक आप ले लेना। अच्छा आपको पता है हमने हील्स, अब वो हील्स भी नहीं आई हमारे, 2 बैग में ही रह गए। अच्छा मुझे लगता है ये भी नहीं आएगी, ये भी शूज नहीं गुड्डू आएगी, आएगी 1000 ये बीडी है। तो ये वाली पैंट जो है, ये जो मुझे इसकी शक्ल दिख रही है, ये है सूरज भाई। ये तो आपकी और तो ऐसे बैग हो गए। अरे फेंक नहीं रखी, साइड पे की है साइड पे। अच्छा एक बात बता, कपड़े वाले जब कपड़े वाले कपड़े दिखाते हैं, मजाक कर रहा हूं मैं तो अभी सीरियस हो गया, मैं कभी सीरियस नहीं। ये भी मुझे अच्छा लगता है ऐसा कुछ, मैं लूजर में पहन। अच्छा सेम जैसे चीकू पापा ले गए ना, सेम मैंने चीकू के लिए। और ये भी कुछ कमाल की पैंट ली है मैंने आज। ये तो मेरा मनपसंद है, मुझे ऐसी चीजें पसंद है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं दिखाऊंगा तो कल सुबह हो जाएगी। तो वैसे आज का लोग हम याद करते हैं, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्ते, बाय बाय। और मैं यही बोलना चाहूंगा सभी को, कभी भी ऑनलाइन धमकी मत दो किसी को। अगर आपने अब तक ब्लॉग नहीं देखा तो जाके अरमान मलिक का ब्लॉग चेक करो, उसमें एक ऑनलाइन धमकी आई है चीकू ज़ैद के लिए। भाई अगर ये ज़ैद मुझे दे दो वरना ज़ैद एक हफ्ते के अंदर किडनैप हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलता है ऐसे लोग। और हमने विद प्रूफ वहाँ पे सारे डाले उस ब्लॉग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो।